हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। HSSC देगी एक और मौका। CET पोस्ट प्रेफरेंस से जुड़ी अपडेट है। कोर्ट में HSSC ने क्या किया कल, आज की ताज़ा खबर है, जल्दी देख लीजिए। जानना चाहते हैं नई अपडेट के बारे में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ग्रुप डी का एग्ज़ाम है 21 और 22 अक्टूबर का। उसके लिए प्रैक्टिस बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो गया है। सभी सब्जेक्ट के MCQ करवाए जाएंगे, PYQ कराए जाएंगे। टॉप सेलेक्टेड पर्सन जैसे हरियाणा जीके के 2000, केमिस्ट्री के 300, बायो के 300, फिजिक्स के 300, ठीक है, रीजनिंग के 500, मैथ के 500, इस तरीके से पूरा का सिलेबस आपका रिवाइज करवाया जाएगा। और दोस्तों एक पर्सन के साथ आपके चार पाँच पर्सन कवर हो जाएंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहे हैं। तो फटाफट प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिए यदि आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर ये कोर्स आपको मिलेगा। तो बात कर लेते हैं HSSC क्या मौका देने वाली है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के लिए 1,54,944 ने पोस्ट प्रेफरेंस है वो भरी है। अब आयोग सभी को प्रेफरेंस छोड़कर अन्य कार्यों के लिए 2 दिन का समय देगा। अभी जो इन्होंने हाँ भरी है वो किस चीज़ के लिए भरी है? जो आपसे गलती हुई है उस गलती को सुधारने के लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसा कहा है। जैसे बहुत सारे बच्चों की क्वालिफिकेशन है वो गलत दिखा रहा था, लेकिन दोस्तों अब जैसे ही कोई नोटिस आएगा उसके बाद क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन आपकी जब आप लॉगिन करोगे क्वालिफ़िकेशन आपकी सही देखेगी, उसका प्रिंट आउट निकालना है और फिर आपको साइन करके उसे अपलोड करना है। बहुत सारे बच्चों क्या रखे थे कि उन्होंने केवल साइन अपलोड कर दिए, तो वे लोग भी अब प्रिंट आउट निकाल के उस कागज़ के ऊपर साइन करके फिर अपलोड कर पाएंगे। किसी के साइन वगैरह अपडेट नहीं हो रहे थे तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, अब आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है ना, जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो अभी चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, वो आपकी फ्रीज कर दी गई है। यदि किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा हो कि किसी और ने भर दी है तो वो अपना शपथ पत्र HSSC ऑफिस में दे या ईमेल के माध्यम से दे। ईमेल इन्होंने दे दिया है कि उस ईमेल पर भेजिए अपनी पूरी डिटेल, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, किसी और ने भर दी है तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस ऐसा लगता है तो ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ यही लिखी है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। यहाँ पे बताया गया कि 300-400 शिकायतें पहुँची भी है HSSC ऑफिस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म स्टार्ट तो कर दिया लेकिन लास्ट वाला पेज अपलोड नहीं किया है, तो इनको मौका दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट में ग्रुप 56 और 57 और 41 सवाल रिपीट मामले में सर्विस नहीं हो पाई, इंतज़ार करते रह गए लाखों उम्मीदवार। तो दोस्तों इस बार भी HSSC की तरफ से कमी रह गई, जो सर्विस देनी थी सभी याचिकाकर्ताओं को वो नहीं दी गई, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। और नई डेट दी जाएगी, बताया जा रहा है कि 11 नवंबर के आसपास डेट रहेगी। डेट अभी कन्फर्म नहीं है, साइट पर पब्लिक नहीं हुई है। तो ये मामला आपका रहा है कल की सुनवाई में। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें और मौका मिलेगा क्या, तो क्या हमारे अन्य ग्रुप के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कोई परमिशन नहीं मिली एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, ठीक है, ना ही रिजल्ट आ सकता, ना ही आपका और अन्य ग्रुप का एग्ज़ाम ले सकती है HSSC। तो ये थी आज की अपडेट आप सभी के लिए। आपके साथ पोस्ट प्रेफरेंस में कौन सा मामला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने पोस्ट प्रेफरेंस भरे ही नहीं, तो उनके साथ भी यहाँ पे एक और मौका दिया जा सकता है, लेकिन उनके ऊपर विचार, पहले इनका काम किया जाएगा फिर उनके ऊपर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। धन्यवाद। और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस बैच जल्दी कीजिए, जितना लेट करोगे नुकसान होगा। धन्यवाद।